मजरू सुल्तानपुरी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आप सबने सुनी होगी कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन होता अधिकतर उल्टा है। मैं उसको इस तरह से कहता हूं कि मैं तो भीड़ में चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ छोड़ते गए और मैं अकेला होता गया। तो अधिकतर ये होता क्यों है? क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो बताता है कि अधिकतर जब किसी सडन इमोशन कारण, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसे निगेटिव इमोशन किसी के इच्छा के कारण, किसी द्वेष के कारण, किसी के भय के कारण, अगर आप एक समूह में आते हैं, या पॉजिटिव भी हो कि अचानक किसी पे दया आई, अचानक कोई इमोशन उठा और आप किसी ग्रुप में शामिल हो गए, तो ये सडन इमोशन कारण जब आप, या फिर किसी स्वार्थ के कारण आपको लगता है मेरा भी ये भला हो जाएगा, हमारे हम इस जगह से जुड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तब आप किसी ग्रुप में जुड़ते हैं तो वो ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं होता है। तो वहां यही होता है कि भीड़ में चलते तो है लेकिन अकेले होते जाते हैं। अभी कोविड के टाइम ही कई छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए, कई एनजीओ भी शुरू हुए, और उन लोग शुरू शुरू में लगा कि भीड़ में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खुशी भी हुई थी देखकर, लेकिन वो बहुत देर तक सस्टेन अच्छे से नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाए। कारण क्या है? किसी न किसी स्वास्थ्य के कारण या किसी न किसी सडन इमोशन कारण जुड़ते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन इसका उल्टा हम लोग देख रहे, सतलोक में 3-4 लोग थे जो कमरे में बैठ कर बात कर रहे थे कि कुछ करना है, और ये 20 साल से अभी तक सस्टेन कर रहा है, चल रहा है। तो इसका कारण क्या है कि शुरुआत में जो लोग जुड़े थे वो स्वार्थ से परे थे, यही कारण है कि वो लोग आज तक जुड़े हैं, और कुछ न कुछ बाहर बाहर रहते हुए, जिसको कि अब कोई मतलब नहीं रह गया है, यहां से बाहर रहते हैं वो वहां से भी डोनेट कर रहे हैं। ये एक क्या कहते हैं, एक विश्वास है। क्या होता है जब आप कुछ पॉजिटिविटी करते हैं और आपको लगता है उस पॉजिटिविटी में मजा आ रहा है तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि संवेदना एक हमारी स्टूडेंट रही है, हमारे यहाँ अभी स्कूल में टीचर है, मैं उनके यहाँ गया हुआ था सुबह, तो उन्होंने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि 500 रुपये ना अपने आप ऑटो डिडक्ट हो जाए, मुझे मालूम नहीं कैसे होगा, लेकिन वो बोले थे 500 रुपये पर, क्योंकि मुझे बार बार देना पड़ेगा सतलोक में, तो पर डिडक्ट हो जाए। बोले कैसा क्यों चाहती है? तो उन्होंने कहा कि मैं सैलरी का एक अंश चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव जगह जाए और मुझे हर साल हर महीने एक फीलिंग हो। तो मुझे उसी से लगा कि जिसको ये फीलिंग की है कि मुझे फीलिंग हो कि कुछ अच्छा मैंने किया, वर्दी किया, तो ग्राउंड लेवल पर जो बच्चे कर रहे हैं वो तभी कर पा रहे हैं हर महीना या हर इवेंट में, वो एनर्जाइज होकर लग पा रहे हैं क्योंकि उनको एक फीलिंग है कि हम वर्दी कुछ कर रहे हैं। तो जिन लोगों में वर्दी करने की फीलिंग है, जो इस लिहाज से साथ जुड़े हैं कि हमको मजा आता है दूसरे के जीवन को सकारात्मक बनाने में, दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने में, साथ मिलकर कुछ अच्छा करने में बड़ा मजा आता है, तो वही लोग सस्टेन कर पाएंगे और वही लोग साथ रह पाएंगे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि सतलोक में ऐसे अधिकतर बच्चे जुड़े हुए, ऐसे अधिकतर पुराने मेंबर्स जुड़े हुए हैं जिनको मजा आता है तभी वो सस्टेन कर पा रहे हैं और हमारा कारवा बढ़ रहा है। अंत में 2 पंक्तियों से करूंगा कि कुछ नहीं करने से हमेशा कुछ पॉजिटिव करना या पॉजिटिव की तरफ सपोर्ट में भी रहना बेहतर होता है। 2 पंक्तियां हैं कि लकीरें खींचते रहो बन जाएगी तस्वीर, लकीरें खींचते रहो तो एक दिन बन जाएगी तस्वीर, क्योंकि काम छोटा ही सही बेकार थोड़ी होता है, काम छोटा ही सही बेकार थोड़ी होता है। तो जो 50-100 रुपये की मदद कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं, जो बड़ा कर रहे हैं, सभी का योगदान है, तभी हम 20 साल से सस्टेन कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। आप सब जो भी लाइक माइंडेड है, जो भी मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं, उसमें मजा आता है, लोगों के लिए भला करने में, लोगों के लिए अच्छा करने को मजा आता है, उन सबका सतलोक में स्वागत है। आप सब जुड़िए, हम सब मिलकर समाज को बेहतर और बेहतर बनाएंगे, सभी के लिए जीने लायक। धन्यवाद।